अब वो क्या रिश्ता है वो मुझे नहीं पता, वो अंकित या प्रियंका खुद जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मुझे कैसे पता होगा। निमृत विल गो इन द फिनाले, आई एम श्योर दैट प्रियंका विल गो इन द फिनाले, आई एम श्योर दैट। मुझे बहुत कम लोग हैं जो 100% रियल लग रहे हैं, आई थिंक एमसी स्टैन इज 100% रियल, बट उसके बावजूद आई थिंक बिग बॉस को भी अभी तक आदत है कि वो जबरदस्ती लव एंगल्स बनाते हैं। मुझे अर्चना बहुत फनी लग रही, वो किसी से लव रिलेशनशिप नहीं बना रही। रुबीना, अभिनव, जैस्मिन अली, करण तेजस्वी, ये रिश्ते जेन्युइन हुए हैं, बट अब घुसते कि एक हफ्ते के अंदर तो नहीं हुआ ना किसी का भी। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। फिलहाल मेरे सामने एक ऐसे एक्टर हैं जो कि जनता के दिलों में तो फिलहाल बने हुए हैं, चन्ना मेरेया, लेकिन उनकी निगाहें कॉन्स्टेंटली टिकी हुई हैं बिग बॉस पर लाइक अ बुल। प्लीज वेलकम शार्दुल। थैंक यू। लेकिन कॉन्स्टेंटली नहीं टिकी हुई है निगाहें, बीच बीच में निगाहें टिकी हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि सारे एपिसोड्स देखूं, तो इफ यू आर गोइंग टू आस्क मी टू मेनी क्वेश्चंस आई वुड नो। बट यू नो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद ऑफ कोर्स द बैंग। चन्ना मेरिया इज यू नो पीपल आर लविंग यू ऑन द शो, तो उस चीज पर सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहोगे? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आजकल सोशल मीडिया या आप किसी से बात करते हो तो ही पता चलता है दैट द शो इज डूइंग वेल, सो थैंक यू फॉर टेलिंग मी एंड थैंक यू फॉर ऑल दोस पीपल हु लाइक इट एंड इट फील्स गुड। या ऑब्वियसली एनीबॉडी कोई भी काम करता है और उसको अगर अप्रिसिएशन मिलता है तो एवरीबॉडी फील्स गुड। क्योंकि यू नो इस बार टीआरपी रेटिंग भी लास्ट टाइम से काफी ज्यादा आई है, अच्छा वो और मुझे नहीं पता था। नो नो एक्चुअली टीआरपी में ये शो एक रैंक ऊपर चला गया है और काफी पॉपुलर शोज की कैटेगरी में टॉप 6 में आ चुका है। सो हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट बीइंग अ पार्ट ऑफ द आई शो? थिंक पैसे बढ़ाने की बात करनी पड़ेगी फिर। नो, जस्ट किडिंग। बट यू नो टॉकिंग अबाउट दिस, हमने आपको कई सारे डिफरेंट रोल्स में देखा है, यू नो एक्टिंग करते हुए, कॉन्स्टेंटली जनता को एंटरटेन करते हुए हर अंदाज में, लेकिन एक्टिंग में शार्दुल इतने सीरियस हो सकते हैं? ये वाला साइड जो है जनता को इतना सीरियसली, यू नो किसी ने सोचा नहीं था कि शार्दुल के अंदर एक ये सीरियस वाला जोन भी है। हमने जब भी देखा है, हमने फन लविंग हैपनिंग वाला शार्दुल नहीं ज्यादा तो फिर देखा आप है, बहुत यंग तो ये होंगी, वाले जो साइड है। क्योंकि जिन लोगों ने मेरा डेब्यू देखा है बंदनी में उन्होंने मुझे एज एन अल्कोहलिक देखा है। मे बी योर 18 17 15 16, दैट्स व्हाई आपको वो पता नहीं होगा, बट पीपल हैव सीन मी इन सीरियस रोल्स अर्लियर देन दिस आल्सो। What you have to say, you know, कि इस तरह के roles जो होते हैं, how difficult it is to portray? सीरियस रोल्स आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक टेलीविजन पे कोई ऐसा रोल नहीं है जो डिफिकल्ट हो, बिकॉज टेलीविजन इज अ मीडियम जहाँ पे कैरेक्टर हर हफ्ते चेंज हो जाता है बेस्ड ऑन टीआरपी। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एक्टर्स, देर आर वेरी फ्यू रोल्स जो बहुत डिफिकल्ट हैं। या इफ यू टॉकिंग टू मी अबाउट वेब और सिनेमा, तो येस ऑफकोर्स बहुत डिफिकल्ट रोल्स होते हैं बिकॉज वो शूट भी वैसे किए जाते हैं, उन्हें डेवलप भी वैसे किया जाता है, बट यहाँ पे अल्टीमेटली आप गुड गाय होते हो या बैड गाय होते हो, उसके बीच में ज्यादा कुछ होता नहीं है। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट इफ यू नो हाउ टू डू योर जॉब। बट यू नो जब भी कोई एक्टर कोई भी टेलीविजन शो या फॉर दैट मैटर कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो ओटीटी हो, फिल्म हो, कुछ भी अगर साइन करते हैं, तो उनका एक थॉट प्रोसेस होता है अपने कैरेक्टर को लेकर। सो जब आपने चन्ना मेरेया आपके पास जब स्क्रिप्ट आई, तो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस कि अच्छा ठीक है, व्हाट मेड यू से कि हाँ मैं ये शो करूंगा और मैं ये कैरेक्टर में आई कैन सी माई सेल्फ? Well, I think the call happened with the creative director Meet Kohli, who just called me at that time and said that at that time Shabbir was going to be a part of the show, and then Karan became a part of the show, and she said that you should do it. I was like, "Aap mera radio adjust karengi to main karne ko taiyar hu," because pre Big Boss I had seen a very bad time, and at that time radio came to be to me. So now my condition is anybody who calls me. Acting, I'm like, भाई मुझे आधा घंटा दिन का रोज चाहिएगा टू रिकॉर्ड माय रेडियो शोज, एंड दे हैव अग्रीड, एंड ऑनेस्टली दैट वाज ओनली कंडीशन दैट आई हैड, आई डिडंट हैव एनी अदर कंडीशन, बिकॉज अब मैं ये बात समझ चुका हूँ कि टीवी पे कोई रोल होता नहीं, यू आर आइदर द गुड गाय और द बैड गाय। सो अगर कुछ एक्टर्स मुझसे शायद नाराज भी हो जाएंगे अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, ऐसा कोई बहुत आइंस्टाइन गिरी नहीं कर रहे हम लोग टेलीविजन पे, आप उसको कैसे करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। लाइक आई कैन प्ले अरमान विथ ऑनेस्टी एंड अटमोस्ट सिंसियरिटी, और उसमें मैं कमाल भी कर सकता हूँ, बट द वे कैरेक्टर्स आर रिटन ऑन टेलीविजन, इट इज नॉट रिटन लाइक रणवीर सिंह फ्रॉम पद्मावती, नो इट्स नॉट। बट यू नो जैसे अभी आपने कहा कि यू नो कुछ लोग थोड़ा सा शायद नाराज भी हो जाएंगे, क्योंकि एक्टर्स
को यूजुअली स्पेशली टेलीविजन एक्टर्स को बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग कहा जाता है, क्योंकि 12-12 घंटे, होते हैं 13-13 घंटे की शिफ्ट उनकी होती है लिटरली. तो आप कैसे जगल कर रहे हैं इन दोनों चीजों में? I, as I said, I'm not new to working hard. I have done Bandhani in 2008, and that's when I debuted. At that time, aur bhi difficult hota tha. At that time, vanity vans nahi hoti thi. At that time, actors couldn't say ki mera out time hai. At that time, viral bhayani nahi hota tha. So actors ko pata nahi hota tha ki wo kitne bade hain ya kitne bade nahi hain. So yeah, working hard is not आप काम ही तो करने आए हो. अगर आप काम करके क्रिब कर रहे हो, दैट मींस यू डोंट एंजॉय योर जॉब. इफ यू डोंट लाइक बीइंग ऑन सेट्स, व्हाई आर यू इवन देयर? जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स काम ही तो करने आए हैं, अल्टीमेटली वर्क इज एवरीथिंग. बट जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं ना कि दे से कि टीवी कर रहे हो अगर आप, तो आप अगर आप ओटीटी कर रहे हो तो आपके पास बहुत टाइम फिर भी रहता है टू डू अदर थिंग्स. आप मूवीज कर रहे हो, आप 6 महीने के लिए बिजी हो, बाकी के 6 महीने आप साल के फ्री. बट अगर आप टीवी कर रहे हैं तो फिर आपके पास ना सोशल मीडिया का टाइम होता है ना कुछ और देखने का टाइम होता है. बट यू आर, आई मस्ट से कि यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग. आप टीवी भी कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पर कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग. क्योंकि आज के टाइम में तो सोशल मीडिया इज समथिंग लाइक डिजिटल वर्ल्ड इज सो मच ऑन अ रेज कि वो वहां पर एक्टिव रहना जरूरी है. तो आप वहां भी कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहते हो, यू कीप ऑन एंगेजिंग, आप कॉन्स्टेंटली कॉन्टेंट पोस्ट करते रहते हो. और जहां तक बात रही FM की, तो आप उसमें भी एक्टिव रहते हो. तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट? वेल, आई जस्ट थिंक व्हेन, एंड आई एम नॉट द ओनली वन, आई विल नॉट टेक द क्रेडिट बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु आर मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स. यस, आई एम डूइंग रेडियो विद टेलीविजन. दैट इज समथिंग दैट आई वुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ, बिकॉज नहीं कर पाती. बट मैं ये इसलिए भी कर पा रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट प्लेइंग अ लीड राइट नाउ. व्हेन यू आर प्लेइंग अ लीड, यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम. व्हेन आई वाज डूइंग अ लीड ऑन कुलदीपक, मेरे दिन के 24 घंटे में से 26 घंटे शूट में चले जाते थे. आई एम जस्ट लाइक किडिंग, बट या आपके पास उतना वर्क नहीं होता है. बट आई थिंक सोशल मीडिया पे आई थिंक एवरीबॉडी इज एक्टिव, वेदर इट्स करण वायु शूटिंग विद मी, बोथ ऑफ अस आर एक्टिव. इट्स नॉट जस्ट मी, नियति इज एक्टिव, आई थिंक रूबीना इज एक्टिव, एवरीबॉडी इज एक्टिव दीज डेज. क्योंकि अब मजबूरी हो गई है लोगों की. अब ऐसा भी नहीं आप कर सकते कि आप एक्टिव ना रहो. As far as radio and TV is concerned, radio I've done for a very long time. तो आप कहते हैं अगर कोई चीज़ को आप सीख जाओ करना अच्छे से, then it becomes easy for you. Yeah. And yeah, I would like to thank the producers also who manage the timelines for me. Because ये तो आपको दिखता है जो मैं करता हूँ, but there are events also that I do. Yeah. I host a lot of events, and that also happens only because of the good adjustments that my producers are doing. डेफिनेटली. और जैसा आपने कहा कि आजकल सब लोग खास करके एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, बिकॉज अब वो एक रिक्वायरमेंट हो गया है. वेल सेड. बट जैसा आपने कहा कि रिक्वायरमेंट तो है, बट फिर भी काफी लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पर ओपनली अपना ओपिनियन नहीं रखते हैं. बट यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिनको जो चीज लग रही होती है आप ओपनली बोल देते हो. बी इट बिग बॉस या कोई भी और चीज हो, आपका शो के रिलेटेड कुछ हो या फिर कोई रिसेंट चीज चल रही हो जिसके रिलेटेड हो. सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ मतलब ऑडियंस पर्सपेक्टिव से एक प्रेशर हो गया है एक्टर्स के ऊपर कि आपको ओपिनियन देना ही देना है? नो, आई डोंट थिंक सो. देयर इज एनी प्रेशर ऑन एनीबॉडी. कोई आपको गन पॉइंट पे रख के ये नहीं बोला. इनफैक्ट 90% ऑफ द एक्टर्स डोंट गिव देयर ओपिनियंस. दे डोंट वांट टू गिव देयर ओपिनियंस बिकॉज एक्टर्स को ऐसा लगता है कि अगर हम ओपिनियंस देंगे तो कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग ना पसंद करेंगे. बट आई एम नॉट जस्ट एन एक्टर, आई हैव बीन अ रेडियो पर्सनालिटी ऑल माई लाइफ. तो आई एम वेरी यूज्ड टू द आइडिया ऑफ गिविंग माई ओपिनियन. पीपल फाइंड इट वियर्ड, उनको लगता है कि ये क्यों बोल रहा है. बट आई एम सी, लोगों के दिमाग में जो आपको जैसे देखते हैं वैसे उनकी इमेज होती है. कुछ लोग आपको एक्टर समझेंगे, कुछ लोग आपको होस्ट समझेंगे, कुछ लोग आपको रेडियो होस्ट समझेंगे. फॉर मी, इफ यू फील लाइक सेइंग समथिंग, यू शुड से इट. आई मीन आई लाइक पीपल लाइक उर्फी ऑल्सो हु जस्ट से व्हाट दे फील लाइक. इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स एंड आई रियली एडमायर सच पीपल. सो प्रेशर किसी के ऊपर नहीं है, इट्स ऑलवेज अ चॉइस. मतलब अगर आप मुझसे किसी चीज के बारे में पूछेंगे और मुझे नहीं बोलना है तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकती. तो मैं जब बोलूंगा तब मेरा मन है वो बोलने का. राइट. बट जैसे आपने ओपिनियंस की बात की, ऑफ कोर्स उर्फी आपने भी उनको उनकी तारीफ की, एंड आई वुड आल्सो से कि शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल जो इतना ओपनली और ब्लंटली हर चीज अपनी कह देती है, जिनको किसी चीज किसी का डर नहीं है. एंड ये बहुत कम लोगों में क्वालिटीज होती है, आप में भी है. बट जैसा आपने कहा कि बिग बॉस की अगर मैं बात करूं तो वो भी ओपिनियंस का शो है इस वक्त, क्योंकि आप भी पार्ट रह चुके हैं बिग बॉस का. आपके हिसाब से इस शो पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन आपको किस कंटेस्टेंट का लगता है कि मतलब हैट्स ऑफ?
I think I tweeted last night that I think Shiv makes a lot of sense to me, and some people also trolled me for it because कुछ लोग उनके अगेंस्ट थे जो मुझे पता नहीं था. बट आई आई स्टिल से दैट मुझे शिव बहुत सेंसिबल लग रहे हैं, बिकॉज थोड़े दिनों पहले भी उन्होंने जब ये पॉइंट उठाया था कि आपको ऐसे कैसे लव हो जाता है, विच आई ऑल्सो आई मीन इट्स अपसर्ड यार, इट्स अपसर्ड कि आप सालों साल एक ही इंडस्ट्री में मिल रहे हैं और सडनली आप एक घर में गए, अब आपने सामने खड़े हो आपके वीएम्स बन रहे हैं. और मुझे उनसे ज्यादा वियर्ड जनता के लिए लगता है जो मान लेती है कि ये सब कुछ सही है. एंड इट्स I'm sorry, but I don't believe it. I do not believe it. You know, you were in a season जहाँ पे genuine रिश्ते बने, आपने भी देखी अपनी आंखों के सामने, you know, चाहे वो मेरा season ऐसा था जहाँ पे रिश्ते बने हुए अंदर आए. Yeah, but so, मतलब Rubina and Abhinav were married before they came inside. Jasmine and Ali were together before they came inside. So मेरे तो season में रिश्ते पहले से बने हुए थे. ऐसा नहीं हुआ ना कि दरवाजा खुला और प्यार हो गया. एग्जैक्टली और यू नो जैसे उस सीजन के सारे रिश्ते आइकॉनिक थे. सीजन 15 में भी करण तेजस्वी का जो रिश्ता था, स्टार्टिंग में लोगों ने बहुत ट्रोल किया था कि नहीं नहीं इट इज फेक इट इज फेक. आपको स्टार्टिंग में ऐसा कुछ लगा था कि इनका रिश्ता फेक है या वो रिश्ता आपको स्टार्टिंग से जेन्युइन लगा? इन फैक्ट मेरा एक ट्वीट आज भी लोग कोट करते हैं वेयर आई हैड ट्वीटेड इन द फर्स्ट वीक दैट आई सी तेजस्वी एज अ विनर, एंड वो आज भी लोग उसको कोट करते रहते हैं. बट आई हैव ऑलवेज लव तेजस्वी. देर आर अदर पीपल इन दैट शो जिनका रिलेशनशिप मुझे फेक लगा था, जो बाहर हो भी गए थे, मैंने उनके लिए कहा था. एंड वो करण और तेजस्वी नहीं. करण और तेजस्वी ऑब्वियसली सी ऑडियंस अगर इतना प्यार दे रही है आपको तो कुछ तो रियल है ना. एंड देन करण आई नो, आई मीन करण इज अ फ्रेंड सो आई नो इट वॉज नॉट फेक. बट यू नो जैसे इस सीजन की अगर बात करें, ऑफकोर्स रिलेशनशिप्स तो वो बहुत ही प्रियंकित तो चलो वो बाहर से बनकर है, वो ऑलरेडी एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं, बट क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड्स से कुछ ज्यादा है उनके रिलेशनशिप पर? आई वुडंट नो, ना तो मैं उनका चाचा हूँ ना फूफा. कि एनीथिंग दैट यू सी जो आपको लगे कि हाँ नहीं नहीं ये जेन्युइन लग रहे हैं, वेदर इट्स द बॉन्डिंग इज द कम्युनिकेशन. अरे पर उनकी बॉन्डिंग का कोई नाम उन्होंने नहीं दिया तो मैं कैसे बताऊं कि ये जेन्युइन है. आई मीन यस दे आर फ्रेंड्स एंड या दे आर जेन्युइन फ्रेंड्स बिकॉज वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और अगर आप एक दूसरे को इतना समय जानने के बाद भी फ्रेंड्स नहीं हो तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम. सो आई थिंक दैट दैट या दे आर जेन्युइनली फ्रेंड्स. अब वो क्या रिश्ता है वो मुझे नहीं पता, वो अंकित या प्रियंका खुद जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मुझे कैसे पता होगा. बट यू नो जैसे आपने कहा कि तेजस्वी को आपने बहुत जल्दी आपने ये कोट कर दिया था कि तेजस्वी में बिकॉज़ आई सॉ अ विनर इन हर. यस क्लियरली. बट इस सीजन में ऐसा कोई आपको लग रहा है अभी से दैट दिस गाय और गर्ल इज द विनर? नहीं, नॉट टिल नाउ. नहीं मतलब कोई भी ऐसा जो आपको लगता हो कि हाँ टॉप टू में तो एटलीस्ट इन दोनों में टक्कर हो सकती है, द बिगेस्ट ट्रायल. टॉप फोर में तो बहुत सारे लोग जाएंगे. आई थिंक द आई मीन किसी भी चैनल के फेसेस जाते ही हैं टॉप फाइव में टॉप फोर में. तो इस बार तो बहुत सारे लोग भरे हुए हैं. सो आई थिंक मुझे टॉप टू इस बार नहीं समझ पड़ रहे हैं ऑनेस्टली. राइट नाउ अ लॉट ऑफ थिंग्स आर सीमिंग फोर्स्ड टू मी, रिहर्स्ड टू मी. लॉट इस बार तो सबसे बड़ी बात है कि बिग बॉस ने खुद कुछ कंटेस्टेंट्स को बोल दिया कि भाई आपकी रिलेशनशिप हमें फेक लग रही है, जो आई थिंक इज अ हिस्ट्री में पहली बार हुआ है. So I think a lot of contestants are behaving like that. But we all know that 3-4 faces to hain jo jayenge hi jayenge finale mein. I'm sure that Nimrit will go in the finale. I'm sure that Priyanka will go in the finale. I am sure that Shaleen will go into the finale. Tina will go into the finale. To 4 to aapke yahi honge. ये एक इस सीजन में ना स्पेसिफिकली बच्चे वाला एंगल भी निकल रहा है कि अब तो अभी बच्चे हैं, सुंबुल अभी बच्ची हैं, उनके साथ ऐसा बिहेवियर मत कीजिए, इनके साथ ऐसा मत कीजिए. आपको लगता है ये बच्चे वाला जो कॉन्वर्सेशन बार बार निकल रहा है, जिस तरीके से सुंबुल ने भी घर के अंदर कहा कि मैं अगर शो पर आई हूँ तो मैं अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आई हूँ, तो बार बार ये मत कहो कि मैं बच्ची हूँ बच्ची हूँ, लेकिन फिर भी ऑडियंस कहीं ना कहीं उन्हें बच्चे के पर्सपेक्टिव से ही देख रही है, तो इस पर व्हाट इज योर टेक? ऑडियंस देख रही है या कोई और कह रहा है? मुझे कंटेस्टेंट्स कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता. बच्चों की तरह ही देख रहे हैं. Well, I don't think so. Anybody is a bacha because आप 18 साल के हैं, तभी आप contract sign करके अंदर आ सकते हैं. और बच्चा तो कोई नहीं. And you know, Sumbul is constantly getting trolled कि आप अगर इतनी छोटी हैं, आप शो के अंदर आई ही क्यों? और अगर आप आई हैं, तो उन्हें constantly pressurize किया जा रहा है कि आप अपना opinion दो, opinion दो, opinion दो, जो उनकी maybe उनकी personality वैसी नहीं है इतना strong opinion दे रहा. Correct. तो वो pressure तो आप पे आता ही है, किसी भी contestant के ऊपर आता है. And
ये तो फॉर्मेट है शो का, तो इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूंगा। इस सीजन का कोई ऐसा कंटेस्टेंट है जो आपको लग रहा है कि फेक है, बहुत ही फेक है, क्लियरली दिख रहा है कि हाँ? फेक, आई डोंट नो फेक, बट आई थिंक एवरीबडी इज फेकिंग इट टू एन एक्सटेंट। मुझे बहुत कम लोग हैं जो 100% रियल लग रहे हैं। आई थिंक एमसी स्टैन इज 100% रियल। आई थिंक शिव इज वेरी वेरी रियल। फेक पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन फेक है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मैं सबको जानता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये ऐसे हैं और ये वैसे हैं। फेक इज नॉट समथिंग आई कैन टेल कि कौन फेक है कौन नहीं है, बिकॉज जब 150 कैमराज रहते हैं तो थोड़ा बहुत फेक तो आप सभी करते हैं। Nobody behaves exactly the way they behave in home, क्योंकि आपको पता है कि 150 कैमरा है। बिग बॉस का बात, बिग बॉस की बात हो, और एक ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो हमेशा, जैसे शहनाज भी कहती हैं कि बिग बॉस के लिए गोट रहेंगे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सिद्धार्थ शुक्ला। बहुत सारे लोग, जब भी कोई नया सीजन आता है, हर सीजन के लिए ये कहा जाता है कि इस सीजन का ये सिद्धार्थ शुक्ला बनने की कोशिश पे है। इस सीजन के लिए कई सारे लोग शालीन को ट्रोल कर रहे हैं कि शालीन इज एक्टिंग, ड्रेसिंग अप, वॉकिंग, टॉकिंग, इवन सिटिंग लाइक सिद्धार्थ शुक्ला। हैव यू एवर फेल्ट, जब भी आपने शालिन को देखा, आपको कभी ऐसा लगा, क्योंकि बाहर ऑडियंस कॉन्स्टेंटली शालिन को इस चीज के लिए ट्रोल कर रही है कि वाई आर नहीं, ही मुझे इवन ऐसा नहीं ड्रेसिंग लगा। लाइक सिद्धार्थ शुक्ला, ऐसे फैंस ने पोस्ट भी किए हैं कई सारे। तो आपको कभी मुझे ऐसा तो लगा? नहीं, आई आई आंसर्ड ऑलरेडी, नहीं मुझे नहीं लगा। बट लाइक लास्टली, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से बेस्ड ऑन लाइक इस सीजन के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि इस सीजन को भी ट्रोलिंग इस बात के लिए मिल रही है कि अब तक जितने भी सीजन होते थे बहुत अच्छे अच्छे टास्क होते थे, एक महीना बिग बॉस का पूरा हो चुका है और घर में हार्डली 3 टास्क हुए हैं, तो मेकर्स ने इस बार पूरा गेम ही पलट दिया है। बिग बॉस हिमसेल्फ इज प्लेइंग, बिग बॉस खुद कंटेस्टेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो पूरा फॉर्मेट है, एज एन व्यूअर, एज अ व्यूअर, आपको एंटरटेनिंग लग रहा है या नहीं लग रहा? Well, I think Big Boss has also realized that कभी कभी लोगों को स्कूलिंग देनी पड़ जाती है। आई जस्ट आई एम ओनली वरिड, वरिड तो नहीं, बट मुझे एक चीज बहुत वियर्ड लग रही है कि ये फिर पहले सीजन्स में क्यों नहीं हुआ, या मेरे सीजन्स में क्यों नहीं हुआ। जहाँ पे अब तो मैं देख रहा हूँ बिग बॉस बुला बुला के बिठा बिठा के बोल रहे या हैं कि आप ऐसा कंसेशन क्यों रूम, कर रहे हो, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। विच इज न्यू एंड नाइस, बिकॉज आई थिंक दो तीन चीजें बिग बॉस ने बहुत अच्छी करी कि वो हिंदी बोलने पे जो पनिशमेंट दी थी। आई थिंक या ऑफ कोर्स, आप अगर हिंदी शो में आए हो आपको हिंदी बोलना आना चाहिए। या ट्रू, ये कौन सी बात होगी कि आई एम सॉरी आई डोंट नो हिंदी, आई मीन प्लीज गो होम इफ राइट, यू डोंट नो हिंदी। सो एक दो चीजें बिग बॉस ने बहुत अच्छी करी है, बट उसके बावजूद आई थिंक बिग बॉस को भी अभी तक आदत है कि वो जबरदस्ती लव एंगल्स बनाते हैं। या मतलब अगर कोई नहीं भी कर रहा होगा प्यार तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, अरे भाई नहीं है। मतलब आई ट्रू। जस्ट डोंट गेट इट, आई रियली डोंट गेट इट कि पूरा देश और इवन मेकर्स और हम सब मिलके ऐसे पीछे क्यों पड़ जाते हैं जान के लोगों के, कि नहीं प्यार करो, नहीं नहीं करो, नहीं नहीं करो। व्हाई मैन व्हाई? आई मीन ऐसे ही पॉपुलेशन हमारे देश की इतनी हो रखी है, मतलब आप देख लें। और प्यार की जरूरत नहीं है, और प्यार एक दूसरे के लिए जरूरत है। आई थिंक इंडिविजुअल कंटेस्टेंट्स वर्क फॉर मी। मुझे अर्चना बहुत फनी लगी, वो किसी से लव रिलेशनशिप नहीं बना रही। अब्दू मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो किसी से लव रिलेशनशिप नहीं बना रहे हैं। ये पैकेज बना दिया गया है कि आप लव करो, उसके बाद आप बाहर निकलो, उसके बाद आप म्यूजिक वीडियोस करो, उसके बाद आप ट्रेंड हो। आई मीन आई एम सॉरी, अब सबको समझ में आ रहा है जेन्युइन रिश्ते होते हैं। रुबीना अभिनव, जैस्मिन अली, करण तेजस्वी, ये रिश्ते जेन्युइन हुए हैं। बट अब घुसते कि एक हफ्ते के अंदर तो नहीं हुआ ना किसी का भी, यहाँ तो एक महीना खत्म नहीं हुआ है, ऑलरेडी जोड़ियां बना दी गई। On the third day it started. On the third day the relationship started. I don't buy it. Sorry, I don't buy Yeah, but really thank you, Shardul, for being so honest as always, and loved talking to you. And I hope कि ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब हम आप और milestones अचीव करेंगे और नए सारे shows करेंगे और हम फिर इसी तरीके से conversation करेंगे. But thank you so much for talking to us. Thank you. Thank you.